अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद इस्माइल। मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं वो है नॉलेज बेस्ड सिस्टम। नॉलेज बेस्ड सिस्टम क्या है, उस पर आज हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद KBS एज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर। नॉलेज बेस्ड सिस्टम हमारे रियल वर्ल्ड में कैसे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसके बाद है इन्फेरेंस इंजन, उसके बाद डेवलपिंग KPS और उसके बाद ह्यूमन एक्सपर्टीज वर्सेस आर्टिफिशियल एक्सपर्टीज। तो मैं आज आपके सामने इंशाल्लाह इन पांच टॉपिक्स पे अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नॉलेज बेस्ड सिस्टम, सबसे पहले तो हम ये देखें कि नॉलेज बेस्ड सिस्टम है क्या। KBS इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद इन अ स्पेशलाइज्ड डोमेन दैट ऑर्डिनरी रिक्वायर्स ह्यूमन एक्सपर्टीज। एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर यूज करता है, कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सॉल्व करता है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एक्सपर्टीज यूज करता है उनको हम ह्यूमन एक्सपर्टीज कहते हैं। यानी हम इंसान जिस तरह वर्किंग करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटर भी उसी ही तरीके से उसी ही बेस पे अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है उसे हम नॉलेज बेस्ड सिस्टम कहते हैं। टिपिकल टास्क फॉर एक्सपर्ट सिस्टम्स इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग, डिजाइन, शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क। एक्सपर्ट सिस्टम जो टिपिकली टास्क परफॉर्म करता है वो ये हैं: क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग, डिजाइन, शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग। नॉलेज बेस्ड सिस्टम इज अ मोर जनरल देन द एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम का जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम है वो ज्यादा जनरल फॉर्म में वर्किंग करता है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। The tools of artificial intelligence can be divided into two broad types: knowledge based system KBS and computational intelligence. KBS use explicit representation of knowledge in the form of words and symbols. KBS knowledge represent knowledge ko represent karta hai एक्सप्लिसिट वर्ड्स एंड सिंबल के फॉर्म में। दिस एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंट मेक द नॉलेज मोर इजीली रीड एंड अंडरस्टूड बाय ह्यूमन देन द न्यूमेरिकली ड्राइव इम्प्लिसिट मॉडल्स एंड कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस। KBS ने जिस तरह एक्सप्लिसिट को यूज करते हुए वर्ड्स और सिंबल के फॉर्म में यूज किया, यह ज्यादा आसानी से ह्यूमन इसे समझ सकता है और रीड कर सकता है। KBS इंक्लूड टेक्निक सच एज रूल बेस्ड मॉडल बेस्ड एंड केस बेस्ड रीजनिंग। दे वर अमंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिमेन अ मेजर थीम। KBS में कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स में वहाँ पर प्रोग्रामर अपनी इंफॉर्मेशन को हासिल करता है प्रॉब्लम्स के बारे में जो उसे सॉल्व करने चाहिए। ऑफन दिस इंफॉर्मेशन इज डिक्लेरेटिव, द प्रोग्रामर स्टेट्स सम फैक्ट्स रूल्स ऑफ रिलेशनशिप विदाउट हैविंग टू बी कंसर्न्ड विद अ डिटेल ऑफ हाउ एंड व्हेन दैट information should be applied. अक्सर नॉलेज बेस में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो डिक्लेरेटिव होती है, प्रोग्रामर खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है
उसे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं होती। एज द नॉलेज आफ्टर दैट दीज लेटर डिटेल्स आर डिटरमाइंड बाई द इंटरफेरेंस इंजन विच यूजेज द नॉलेज बेस एज अ कन्वर्शनल प्रोग्राम एंड यूजेज अ डेटा फाइल। वो जो डिटेल है वो बाद में इंटरफेरेंस इंजन डिटरमाइन करता है। अ केबीएस इज एनालॉगस टू द ह्यूमन ब्रेन हुज कंट्रोल प्रोसेसेस एंड अप्रोक्सीमेटली अनचेंजिंग इन देयर नेचर लाइक द इंफेरेंस इंजन इवन दो इंडिविजुअल बिहेवियर इज कंटिन्यूसली मॉडिफाइड बाय न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाइक अपडेटिंग द नॉलेज बेस। केबीएस सिस्टम जो है वो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है। हम जिस तरह ह्यूमन ब्रेन की नेचर अनचेंज रहती है, कुछ कंडीशंस पे आके चेंज होती है, तो ये भी उसी ही तरह वर्क करता है। एज द नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड एक्सप्लिसिटी इन द नॉलेज बेस रेदर देन इम्प्लिसिटी विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इट कैन बी इंटर्नड अपडेट विथ रिलेटिव easy by domain expertise who may not have any programming expertise। हम KBS सिस्टम में नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जो नॉलेज उसकी इंटर और एडिट किया जा सकता है वो ज्यादा से ज्यादा आसान होता है। KBS as real world problem solver। तो अब हम आते हैं कि नॉलेज बेस्ड सिस्टम रियल वर्ल्ड में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर डज नॉट लाई विथ स्मार्ट रीजनिंग टेक्निक्स नॉट क्लियर सर्चिंग एल्गोरिथम बट डोमेन डिपेंड्स रियल वर्ल्ड नॉलेज। रियल लाइफ प्रॉब्लम ये है जो कि वेल डिफाइंड सॉल्यूशन है, जो कि सॉल्यूशन नहीं रखती, लेकिन नॉलेज बेस्ड सिस्टम ये अलो करता है जो चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है उसके सॉल्यूशन को नॉलेज बेस में सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि पीछे मैंने बताया कि नॉलेज बेस जो है वो कौन कौन सी वर्किंग करता है, नॉलेज बेस की टोटल इंफॉर्मेशन इंजन के पास होती है। नॉलेज बेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम दैट कंटेन द सिस्टम्स नॉलेज ऑर्गेनाइज इन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट द सिस्टम डोमेन। जो भी आपके डोमेन प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं, इन तमाम की इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस में होती है या फैक्ट्स में होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में उसके बाद वो इंफॉर्मेशन यूजर के पास रह जाती है। हम आते हैं इन्फेरेंस इंजन के पास, देखें कि इन्फेरेंस इंजन का क्या काम है। एन इन्फेरेंस इंजन ट्राइज टू ड्राइव आंसर्स ऑन अ नॉलेज बेस। It is the brain of the expert system that provides the methodology for reasoning about the information in the knowledge base and for formulating conclusion. Inference engine knowledge base se provide ki gayi information ko inference engine usse kuch natija kharij karne ki koshish karega. Use hum expert ka brain kehte hain. उसका ये रीज़न है कि ये नॉलेज बेस से आते हुए इंफॉर्मेशन फैक्ट्स को उनकी बेस पर डिफाइन मोटी मेथोडोलॉजी और उससे लेकर कंक्लूजन तक पहुंचाएगा। ये यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। ह्यूमन एक्सपर्टीज वर्सेस आर्टिफिशियल एक्सपर्टीज। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सपर्टीज एंड आर्टिफिशियल एक्सपर्टीज में क्या डिफरेंस है। आर्टिफिशियल एक्सपर्टीज परमानेंट होती हैं, यानी जब तक हम चाहें उन्हें चला सकते हैं, जबकि ह्यूमन एक्सपर्टीज परमानेंट नहीं होती।
एक ही काम को अगर हम बार बार रिपीट करना करते रहेंगे तो वो उस लेवल का आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ह्यूमन एक्सपर्टीज को ट्रांसफर करना मुश्किल होता है, जबकि आर्टिफिशियल एक्सपर्टीज को ट्रांसफर करना इजी होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेटर की तरह ट्रेन किया जाए, वो तब तक चलता रहेगा जब तक ऑपरेटर उन एक्सपर्टीज को चेंज नहीं कर देता, जिनको हम एक्सपर्टीज प्रॉब्लम और टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हमने नॉलेज बेस्ड सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैंने पूरी कोशिश की है उसे अच्छे तरीके से डिफाइन करने की। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा मोहम्मद इस्माइल को। थैंक यू।